पोहा जलेबी, पोहा जलेबी सुनते ही सबके मन में एक ही ख्याल आता है कि इंदौर शहर जैसा पोहा जलेबी कहीं नहीं मिलता। लेकिन इस लॉकडाउन के चलते जो 3 महीने यानी कि 90 दिन इंदौर इस पोहे जलेबी से वंचित रहा है, जिसके चलते कोई भी दुकान खोलने की परमिशन नहीं थी, आज इंदौर वासियों को 90 दिन बाद पोहे जलेबी की दुकान खोलने के लिए अनुमति दी गई है, जिसके बाद इंदौर की जनता को पोहा खाने का जो लुत्फ है वो मिलेगा। आज आप जैसे कि देख सकते हैं कि पोहे की दुकान खुल चुकी है, बहुत सारे कस्टमर भी यहाँ से पोहा लेके जा रहे हैं, यहाँ पर खा रहे हैं इंदौरी पोहा, जिसके लिए इंदौर के शहर के लोग ही नहीं बल्कि बाहर से भी यहाँ जो लोग आते हैं सबसे पहले इंदौरी पोहा खाने के लिए ही बात करते हैं कि सारे व्यंजनों के आगे इंदौरी पोहा सबसे पहली गिनती पे आता है। यानी कहा जा सकता है कि पोहे के आगे सारे इंदौर जितने भी व्यंजन हैं वो सब फीके हैं। जैसे कि हमारे साथ अभी एक ग्राहक खड़े हैं यहाँ पर, तो हम उनसे जानते हैं कि 90 दिन बाद पोहा खाने के लिए मिल रहा है, पोहे की शॉप खुली है, तो किस तरीके से सबसे पहले वो आए हैं यहाँ पर। सर, 90 दिन बाद पोहे की दुकान खुली है, इंदौरी का सबसे पसंदीदा जो खान पीन के मामले में देखा जाए तो पोहा है, तो आज आप सबसे पहले पोहे की शॉप पे आए? जी बिल्कुल, आज मैं सुबह घर से नाश्ता मैंने इसलिए नहीं किया कि आज दुकानें खुली हैं पोहे कचौड़ी और समोसे की, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना आज बहुत दिन बाद इंदौर का पोहा टेस्ट किया जाए। बिकॉज इंदौर का जो पोहा है वो आप जानते हैं कि वर्ल्ड फेमस है, और यहाँ का पोहे का जो टेस्ट होता है आपको हर दुकान पर अलग अलग मिलेगा। तो एक जो हमारे आदरणीय कलेक्टर महोदय ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाए थे हमारी सेहत को लेके, और उनका मतलब रिस्ट्रिक्शन का नतीजा है कि इंदौर काफ़ी कुछ हद तक नहीं बहुत ज़्यादा संभल गया है कोरोना को लेके, और जितने भी दुकानदारों को अनुमति अभी कलेक्टर महोदय द्वारा दी गई है उसमें उन्होंने ध्यान रखा है हाइजीनिक का, सोशल डिस्टेंसिंग का, जिससे कि और इसका इन्फेक्शन और ना फैले। और सभी दुकानदारों को हिदायत दी गई कि भैया आप थोड़ा सा प्योरिटी और हाइजीन का ध्यान रखते हुए मतलब ग्राहकों को ये पोहा सर्व करें आप। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा पोहे का टेस्ट मिला हम लोगों को, आके बहुत दिन बाद बाहर के पोहे खाए, अच्छा लगा हमें। क्या आप ही ने खाए या फिर आप आपकी फैमिली के लिए भी लेके जा रहे हैं? नहीं, फिलहाल तो मेरी फैमिली के लिए लेके नहीं जा रहा हूँ मैं, बिकॉज मेरे साथ में मेरे मित्र हैं, इनको जरूर हम लोगों ने जरूर इंजॉय किया पोहे का। अभी हम और ग्राहकों से जानते हैं कि उन्होंने पोहा यहाँ पर 90 दिनों बाद पोहा मिला है बाहर का। सर, 90 दिन बाद पोहा मिला है, कैसा लग रहा है कि वापस इंदौर की स्थिति सामान्य हो रही है? जो इंदौर के चटोरी हैं वो चटपट के और जाते जा रहे हैं, धीरे धीरे सामान्य हो रही है, इसलिए दुकान खुली। हाँ, डेली हम यहाँ पे नाश्ता करते थे, जैसे ही दुकान खुली मिली वैसे हम खड़े हो गए यहाँ पे, और हमने सबसे पहले नाश्ता यहीं किया। जैसे कि जो ग्राहक हैं उन्होंने भी नाश्ता भी यहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए किया है। अब हम जानते हैं कि अभी तक सुबह से, जैसे सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक की परमिशन दी गई है, तो हम जानते हैं कि सुबह 6 बजे से कितने लोग पोहा का नाश्ता करने के लिए आए। सुबह से अभी तक कितने लोग आ चुके हैं अंकल? सुबह से जो देख रहा है वही रुक रहा है, जो देख रहा है कि पोहे बने हुए तैयार हैं, चलता रास्ता आदमी रुक जाता है, क्योंकि पोहे खाने के लिए इतना उत्सुक है वो कि कैसे दुकान खोले और पोहे हम खाएँ, जो देखते जा रहे हैं रुकते जा रहे हैं। फिर भी कितने ग्राहक अभी तक आ चुके हैं? अभी कम से कम 40-50 ग्राहक आ चुके हैं। 40-50 ग्राहक। सोशल डिस्टेंसिंग का क्या पूरा पालन किया जा रहा है? पूरा पालन किया जा रहा है, बाहर खड़े रख रहे हैं, मास्क लगा हुआ है, सैनिटाइजर रखा हुआ है, हमने हाथ धोए और नल चालू है, हाथ भी धोए, सैनिटाइजर भी है, हम खुद भी मास्क लगाए हुए हैं, केप लगाए हुए हैं, पूरा स्वच्छता का ध्यान रखा हुआ है। जैसे कि सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक की परमिशन दी गई है, लेकिन इंदौर वाले हैं कि पूरा दिन भर पोहा चलते ही रहता है, अगर नाश्ते की बात की जाए तो सिर्फ पोहा चाहिए उन्हें, अगर दिन भर खाने को चाहिए, पोहा नहीं मिले तो उनका नाश्ता अधूरा हो जाता है। जैसा कि उन्होंने बताया कि इंदौर वालों को अगर पोहा ना मिले तो उनका दिन नहीं निकलता है, उनका नाश्ता अधूरा है। नाश्ते की बात जब भी आती है तो इंदौरी के मुंह पे एक ही जवाब रहता है कि नहीं, इंदौर का पोहा ही खा लेते हैं, वही सबसे अच्छा है। और जिसमें अगर बात की जाए, जैसे जो फिल्में सितारे हैं, बाहर से जो दूसरे शहर से जो लोग आते हैं वो भी सबसे पहले आके इंदौर का पोहा ही पसंद करते हैं।
इसलिए जो कलेक्टर द्वारा आदेश दिए गए हैं कि अब पोहे की जो दुकानें हैं, नाश्ते की जो दुकानें हैं, वो 6 बजे से 10 बजे तक खुली रहेगी, जिसके चलते इंदौरी तो पूरी तरीके से तैयार थे आज कि आज फाइनली 90 दिनों बाद पोहा खाने के लिए मिलेगा। इसी तरह KNN न्यूज़ के साथ बने रही है। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ खुशबू यादव, KNN न्यूज़ इंदौर।